तो नाज़रीन, कैसा नज़ारा लग रहा है पीछे पीछे का, और हमारे यहाँ पर पीछे का जो इलाका है आपको तो पहले ही मैंने व्लॉग में बता दिया है। तो नाज़रीन, बादल वगैरह के जो नज़ारे हैं आप देख सकते हैं कि किस तरह के नज़ारे चल रहे हैं। इधर देख लें, पीछे का वेदर देख लें, तो ये नज़ारे आप चेक करें तो ये कैसे नज़ारे लग रहे हैं। और ये ऊपर के नज़ारे देख लें। तो जो इस टाइम ये है कि अपना छत का जो हमारा माहौल है, ये देख सकते हैं पीछे की पूरी छत है, ये बिल्कुल मार्बल बिछा हुआ है और फर्स्ट क्लास वेदर हो रहा है। अंधेरा टाइप हो रहा है इस तरफ ना, बिल्कुल जो ये हरियाली टाइप की हो रही है बिल्कुल अंधेरा टाइप हो रहा है। जो ओरिजिनली हम देख रहे हैं ना वो शायद आप नहीं देख सकते हो, तो अंधेरा टाइप हो रहा है। और आहिस्ता सा मगरिब का टाइम हो रहा है और दिल कर रहा है पकौड़े वगैरह इंजॉय करें इंसान, समोसे वगैरह खाए। और क्योंकि कराची में वैसे ही बारिशें कम होती हैं आप लोगों को पता है, और गर्मी क्योंकि अभी मौसम बिल्कुल अजीब सा चल रहा था कि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और रात में ठंड हो रही थी काफ़ी, तो उसमें ये कि बहुत ज़्यादा अजीब सा भी लग रहा था कि दिन में इतनी गर्मी हो रही है और रात में ये कि ठंड हो रही है। तो बहरहाल ये अपना वेदर आप देख लें कैसा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है छत के ऊपर। और शाम का टाइम है और आज जॉब पर जाना था, जॉब की भी छुट्टी करते हैं इंशाल्लाह, ताकि ये कि आज थोड़ा सा घर में इंजॉय करें। और मैं बना रहा हूँ दही बड़ों पकौड़ों का, इन चीज़ों का मसाला बना रहा हूँ ताकि जो रमज़ान में काम आए। और बारिशों में अपना ख्याल रखें, ठीक है, बारिशों में ये कि लाइटें वगैरह चली जाती हैं या फिर लाइट आ जाती है, घंटी वगैरह पे लोग हाथ लगा रहे होते हैं, तो इस तरह का मतलब ये कि थोड़ा सा अपना इन चीज़ों पर ख्याल रखें और बारिश का पानी जमा करें। बारिश का पानी जमा करके और उसको ये कि शिफा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। शाबान का आखिरी जुम्मा है, इसमें दुआएं करें, और मगरिब का टाइम चल रहा है और जो रोज़े रख रहे हैं तो वो मना जाते हैं अफ्तार के लिए, दुआ वगैरह करें, अफ्तार की तैयारी करें। देखें मिलते हैं थोड़ी देर में, कुछ रूटीन और दिखाते हैं आपको, फ़िलहाल थोड़ा मैंने कहा छत का व्यू बना लेते हैं, तो मिलते हैं थोड़ा देर में ब्रेक के बाद। क्या हुआ, कल तुम कहाँ गए थे और कहाँ का ब्लॉग बना के लाए थे? कल का ब्लॉग आ नहीं सका, उसे तो मसरूफी याद हो गई थी क्योंकि नेट वगैरह की प्रॉब्लम हो रही थी, नेटवर्क वगैरह नहीं आ रहा था सही से। तो आप ब्लॉग देखिएगा तो आपको पता चलेगा हम कहाँ गए, ऐसे हम आपको अभी बता नहीं सकते। अच्छा, तो अभी आप छत पे क्यों आए हैं? खैरियत, छत पे यूँ आए, बारिश वगैरह हो रही थी बहुत तेज, सुबह से 11-12 बजे से तकरीबन बारिश हो रही थी। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन तो। और अभी हम आए, अभी टाइम अभी मिला था, तो जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ी होगी तुमने? क्या जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ी फिर? देखो हम तो पढ़ के आए जुम्मे की नमाज, तो साहब पढ़ कर आए। और तुम्हारा क्या है हिसाब किताब, ये पीछे से क्या नजर आ रहा है? समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? पतंग जो है दिखाई नहीं, पतंग भीग गई, ये पतंग खड़ गई है। और नाज़रीन यहाँ पर देखें, ये डिश वगैरह लगे हुए हैं और ये वो हैं कि जो पाकिस्तानी चैनल वगैरह हमारे आते हैं, और मेरे से भी सवाल पूछो, केबल वगैरह सही आता नहीं है तो इस वजह से ही है कि, तो तुम्हारे से क्या सवाल करें? कुछ भी, तुम इधर खड़े हो ताकि पीछे का व्यू आए। ए टू जेड, तुम ये बताओ स्कूल क्यों नहीं गए? आज छुट्टी थी, कल पेपर है। कल पेपर है, आज छुट्टी थी। तुम कौन सी क्लास में हो? 5। इतने बड़े हो गए तुम 5 में हो अब तक? इसे मोबाइल ले लिया जाए क्योंकि ये 5 में ही है, इसको 8वीं में होना चाहिए। लाओ ये मोबाइल दे दो। क्या है? चलो भाई नाज़रीन ये देखें, काफ़ी प्यारा वेदर है और ये बादलों के नज़ारे हैं। ये देखें सूरज भी मेरे अंदर छुपा हुआ है, सूरज तो है ही नहीं। ये बादल हाँ भैया, क्या खाया खाना वाना? खाना वगैरह हमने कबाब खाए। कबाब खाए? कबाब मुझे तो मिले ही नहीं। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। आपको नहीं मिले तो हमारे नसीब के थे, हमने खा लिए। अच्छा क्या अभी बारिश वगैरह और है या नहीं है क्या? बस बारिश तो कल तक बताई हुई और ये सक्कर तक न्यूज में बता रहे हैं कि बारिश हो रही। अच्छा, और अभी बता रहे हैं कि एक और सवाद से एक और बादल वगैरह चले हैं और वो यहाँ पर आ रहे हैं, जिसमें ये है कि जालाबारी का भी कराची के अंदर हिसाब किताब है। और कोई आज क्या मैच वगैरह है जुम्मे वाले दिन? आज कोई भी मैच नहीं रखा गया, आज बारिश की वजह से, पेशकश की वजह से कोई भी मैच नहीं। हमने पूछा यार, नहीं तो नेशनल स्टेडियम में कोई भी मैच नहीं होता। कल मैच, अगर मैच होता तो कैंसिल हो जाता। कल मैच है, कल डबल हेडर है। चलो नाज़रीन मिलते हैं ब्रेक के बाद। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ये देख सकते हैं कि बारिश हो रही है बाहर और बहुत ज़बरदस्त तूफानी बारिश हो रही है, क्योंकि बताया गया था बारिश का कि बारिश होगी। और हम खा रहे हैं हलीम रोटी,
क्योंकि ये है कि हमने बारिश की खुशी के अंदर कुछ बनाया ही नहीं है, तो हलीम भी बाहर से आया है और रोटी भी आई है, तो हम इंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कि आज की क्या एक्टिविटीज़ रहती है। तो बारिश में अपना ख्याल रखें। तो काफ़ी अच्छा, मतलब ये कि हलीम है आप लोगों को दिख रहा होगा, तो जुम्मे के दिन या तो हम हलीम लेकर आते हैं या फिर छोले वगैरह लेकर आते हैं। One hour later. काट रहे हैं भिंडी और रात में हम बना रहे हैं भिंडी, और भिंडी बनाएंगे और उसको इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे, और थोड़े से हम बनाएंगे अपने के मटर वाले चावल, तो इंजॉय करेंगे। और यहाँ पर हमारे बन रहे हैं होले, तो ये देखें ये अपना ये के काटते काटते ये हाथों में चिपक जाती है। ये ऐसा लेस वाली भिंडी होती है ना, तो ये हाथों में चिपक जाती है, ये बहुत आजमाइश हो जाती है। इनको काट रहे हैं, या तो ये चुरी पे चिपक जाएगी या फिर ये हमारे यहाँ चिपक जाएगी, और ये चिपकती रहेगी। देखें ये जा ही नहीं रही नीचे, ये मैंने काटी है, ये सब चिपकी हुई हैं आपस में। तो ये लेस वाली भिंडी होती है, और छोटी छोटी भिंडी लेकर आया करें, क्योंकि जाहिर सी बात है वो ज़्यादा अच्छी होती है। बात इस बार बड़े बड़े जो डंठल होते हैं ना, उनसे ज़्यादा बेहतर होती है, उनसे ज़्यादा अच्छी होती है। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, यहाँ पर मौजूद हैं हमारे होले। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो बारिश का मौसम है, होले खाएं, इंजॉय करें, और यहाँ भिंडी भी बन रही है, तो हरी सब्जियों खाने का टाइम है, और रमज़ान की भी आमद आमद है। तो आप लोग भी कोशिश करें कि अपने घरों में इंजॉय करें और अपना ख्याल रखें, और घंटी वगैरह बारिश के दिनों के अंदर ना बजाया करें, क्योंकि उसके अंदर करंट होता है, बाहर घंटियाँ लगी हुई होती हैं, तो उससे अपने आप को सेव रखें।